यस। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने एक बहुत ही गंभीर महत्वपूर्ण विषय को इस सदन में उठाने का मौका दिया, आपको दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस सदन के माध्यम से आप सभी का ध्यान वैज्ञानिकों की सुरक्षा की ओर दिलाना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन वैज्ञानिकों के बदौलत आज हम लोग उपग्रह प्रक्षेपण में आत्मनिर्भर ही नहीं बने, दुनिया के 5 शीर्ष देशों में शामिल हुए, जिन वैज्ञानिकों के बदौलत आज हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित है, आज वो वैज्ञानिक असुरक्षित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वर्ष 2000 से लेके 2013 के बीच में लगभग 77 वैज्ञानिकों की आकस्मिक मौत हो चुकी है। महोदय जी, वर्ष 2000 से 2008 तक लगभग 56 और 2008 से 2013 के मध्य लगभग 21 वैज्ञानिकों की आकस्मिक मौत हो चुकी है। पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, परमाणु ऊर्जा विभाग में 2009 से 2013 के बीच में 10 वैज्ञानिकों की रहस्यमय परिस्थितियों में अपना जीवन खो दिया है। 8 जून 2009 को यल महालिंगम 41 वर्षीय कर्नाटक के रहने वाले वरिष्ठ वैज्ञानिक सुबह 9 बजे शहर पर गए और फिर कभी वापस नहीं आए। 5 दिन बाद उनका शव काली नदी में मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरह 2010 में 2 वैज्ञानिकों की तांबे में, 2012 में राजस्थान में 1, 2013 में तमिलनाडु में 1, 2011 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की 63 वर्षीय उमा नरसिंह न्यूक्लियर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के रवि खच्चर, 23 फरवरी 2010 को एम अय्यर, अक्टूबर 2013 में विशाखापत्तनम में के जोशी और अभी शिवम, 30 सितंबर 2009 में 2 युवा शोधकर्ता अंग सिंह और पार्थ पट्टम, 2012 में मोहम्मद मुस्तफा की आकस्मिक मौत हो गई। मैं इस सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में हम न जाने कितने बड़े वैज्ञानिक को खो चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री भी आप उपस्थित हैं, मैं माननीय गृह मंत्री जी से और इस सरकार से मांग करता हूं कि वैज्ञानिकों की सुरक्षा के लिए ठोस उपाय किया जाए और जो आकस्मिक मृत्यु हुई है उनकी जाँच कराई जाए। धन्यवाद।